जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने ऑनलाइन वर्चुअल के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण की शुरुआत की। बता दें कि तीसरे चरण में 1 मई से 18 साल से ऊपर के अंत्योदय कार्ड धारियों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके तहत वर्चुअल के माध्यम से विधायक विनय भगत, कलेक्टर और प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पेंकू से सीधे जुड़े, जहाँ उन्होंने तृतीय चरण के टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया। प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत ने टीके के संबंध में जानकारी देते हुए कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अंत्योदय परिवार को टीका लगाने का निर्णय उनकी जनसेवा को चरितार्थ करता है। उन्होंने जिले के सभी विधायकों को भी विधायक निधि से प्राप्त राशि जनसेवा में दान करने पर शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी के सामूहिक प्रयास से ही एक दिन हम कोरोना को हराने में सफल होंगे। तो मैं हमारे बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विषम परिस्थिति में उन्होंने 18 साल से लेकर 44 साल तक के बीच के आयु वर्ग के लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन कोविड-19 का ये जो देने का जो काम किया है, वो सर्वप्रथम मैं उनको फिर पुनः बधाई देता हूं। और हमारे इसी के तारतम्य में आज हमारे जशपुर में, मेरे विधानसभा क्षेत्र जशपुर में ग्राम पाइकों में इसका शुरुआत किया गया है और बहुत ही अच्छी तरह से सब जागरूक हो गए हैं। और गरीब तबके के लोगों को, जिनको ये संभव नहीं था, उनको ध्यान में रखते हुए फ्री में ये जो कार्य जो किया गया है देने का, इसलिए मैं हमारे जो सरकार है उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, जशपुर जिले में जो 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन का है, राज्य सरकार के द्वारा निशुल्क ये हमारे जशपुर जिले में भी लगना चालू हुआ। लगभग 54,344 परिवार हैं अंत्योदय, जो जिनको कि पहले चरण में लगाया जाएगा। अंत्योदय के लोगों के बाद बीपीएल परिवार को लगेगा, बीपीएल के बाद एपीएल का लगेगा। हमारे 8 विकासखंड के 8 जगह में आज शुरुआत हुई है और ये जशपुर विधानसभा में आप लोग देख रहे हैं, पैकू जो गांव है यहाँ पर शुरुआत किया गया। जिस प्रकार से कुनकुरी विधानसभा में चराई डांड से जो है माननीय संसदीय सचिव जी भी जुड़े थे, और पत्थलगांव विधानसभा में भी जो है वहाँ पर 2 जगह है, ये सुरेशपुर और नकबार। ये आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज़।